वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी को। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बहुत ही फ्रेश एक जोड़ी मेथी ली है, यानी कि एक बंच यहाँ पर हमने मेथी का ले लिया है। सबसे पहले जो है हमें इसे साफ़ कर लेना है। साफ़ जो है हमें इस तरह से करना है, मेथी की एक एक डंठल को उठाकर जो है हम इस तरह से जो उसके फ्रेश पत्ते हैं उसे इस तरह से तोड़ लेंगे। अगर आप चाहो तो जो है अगर मेथी आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो तो आप उसकी नरम वाली डंठल को भी जो है साथ में ले सकते हैं। इस तरह से हम जो है सारी मेथी को साफ कर लेंगे। यहाँ पर हमने मेथी को अच्छी तरह से तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे साफ कर लिया है। अब इसे जो है अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश कर हम इसे बारीक सा काट लेंगे। यहाँ पर हमने जो है मेथी के पत्तों को इस तरह से बारीक काट लिया है। आप चाहो तो जो है बिना काटे भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर आधी कप हमने पीली मूंग की दाल ली है, जिसे हमने 2 से 3 पानी से वॉश कर 10 से 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं दाल जो है हमें पूरी तरह से भीगी हुई नहीं चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए। इस तरह से दाल यहाँ पर हमें जैसी चाहिए वैसी भीग चुकी है। चलिए अब जो है हम सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो है कढ़ाई ले ली है। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल ऐड कर लेंगे। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है, उसी के साथ में 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं और जीरे को हल्का सा सॉटे कर लेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है, बारीक कटी हुई। ये प्याज हम इसमें ऐड कर लेते हैं और प्याज को जो है हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। इस तरह से प्याज को लो फ्लेम पर फ्राई करने से प्याज हमारी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी बेहतरीन हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो रही है, चलिए हम साइड में मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है 8 से 10 लहसुन की इसमें कलियाँ ऐड कर लेंगे। उसी के साथ में 4 हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हमने बघार में जीरे का इस्तेमाल किया है 1/2 टीस्पून, तो हम इसमें 1/2 टीस्पून ही जीरा ऐड करेंगे। हल्का सा पानी ऐड कर जो है मसाले को हम पीस लेते हैं। मसाला यहाँ पर हमारा पीस कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल भी स्मूथ नहीं पीसा है, इस तरह से हल्का सा मसाला हमारा दरदरा ही होना चाहिए। मसाला पीस कर यहाँ तैयार हो चुका है, इसे साइड में कर लेते हैं। चलिए प्याज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, बढ़िया सा इसमें जो है हल्का सा एक कलर भी आ चुका है। अब इसके बाद जो हमने मसाला पीस कर तैयार रखा है ये मसाला सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसी के साथ में 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें जो है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाले को जो है हमें 1/2 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से प्याज के साथ सॉटे कर लेना है। यहाँ पर मसाले को हमने सॉटे कर लिया है। अब उसी के साथ में यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ की बारीक कटी टमाटर ली है, मसाले हमें ये हम ऐड कर लेते हैं और टमाटरों को भी जो है मसाले के साथ बढ़िया तरीके से सॉटे कर लेंगे। साथ ही में हम टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारे काफ़ी अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी हमारा ना जले। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब लिड की मदद से ढककर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर टमाटरों के गलने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसालों से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है और टमाटर भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल हमें ऐसी ही चाहिए। अब इस स्टेज पर जो हमने मेथी कट कर रखी हुई है ये सारी मेथी हमें इसमें ऐड कर लेना है। और उसी के साथ में जो है भीगी हुई दाल भी हम ऐड कर लेंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को जो है हमें एक दफ़ा काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर जो है हमने तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेथी से हल्का हल्का पानी भी जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है हमें मेथी और दाल को पकाना है, तो हमें जो है इसमें ज़्यादा पानी नहीं, लगभग आधे कप से भी जो है कम पानी का इस्तेमाल करना है इसे पकाने के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब लिड की मदद से इसे कवर कर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं। यहाँ पर हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए सब्ज़ी को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, सारा मॉइस्चर सब्ज़ी से जो है ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आप दाल को चेक करें, यहाँ पर आप देखें दाल काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई है। अगर दाल जो है इस तरह से हल्की सी साबुत ही रहना चाहिए, जिससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट और मज़ीद बढ़ जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी इस तरह से लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी मेथी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। अब इस स्टेज पर जो है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलिए फटाफट से हम अपनी सब्ज़ी को डिश आउट कर लेंगे। गर्मा गर्म यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए, जिसे यहाँ पर हमने सर्व किया है गर्मा गर्म पराठे और प्याज के साथ। और आप स्पेशली जो है ठंडी के मौसम में प्याज की जगह पे मूली का खाने में इसके साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। आप इसे जो है प्लेन रोटी और जो है गर्मा गर्म दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी और मेरा बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।